मैट्रिक्स इसीलिए लिया गया है, मैट्रिक्स का मतलब है एलिमेंट्स, नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इनको व्यवस्थित कर पाए। ठीक, जैसे स्टूडेंट्स हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो क्लास में या स्कूल या कॉलेज, ठीक है, तो इनका इसीलिए इम्पोर्टेंस है कि व्यवस्थित और अरेंज वे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। ऐसे नंबर्स को अरेंज कर पाना, ऑर्डर्ड वे में रखना, इसके लिए मैट्रिक्स आई। कैसे रखेंगे अभी देखेंगे हम लोग। ठीक, अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि इससे फ़ायदा क्या हुआ, मैट्रिक्स से क्या फ़ायदा हुआ। तो आपने देखा होगा कि जनरल सा ऑब्जर्वेशन आपने देखा होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जब गेट के बाहर खड़े होते हैं तो गेट के मेन गेट पर एक लिस्ट लगी रहती A4 साइज़ में, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा ऐसे रोल नंबर दिखे होते हैं इस तरफ, ठीक। अगर बहुत अच्छे ऑर्डर वे में रखा जाए तो जब क्लास में जाते हैं तो क्लास के बाहर भी एक लिस्ट लगा सकते हैं, जितनी सीट्स हैं उन सीट्स को दर्शा सकते हैं और उस सीट पर आपका पर्टिकुलर रोल नंबर रहता है, तो विदाउट डिस्टर्बेंस, ठीक है, आप उस सीट पर जाके बैठ जाते हैं। तो वो मैट्रिक्स चार्ट से ही तो बन पाया कि नहीं, ठीक है। जहाँ भी रिजर्वेशन का अगर चार्ट देखेंगे, ठीक है, या आप कहीं पर भी बुकिंग कराते हैं, बुक माई शो में ही आप किसी चीज़ की बुक कराते हैं तो वो मैट्रिक्स फॉर्म में ही ग्रेड रहता है ना, एक्सेल सीट। तो जो भी एक्सेल है वो किसका कॉन्सेप्ट है, मैट्रिक्स का ही, मैट्रिक्स का डिजिटल कॉन्सेप्ट हो गया ना, डिजिटाइजेशन कर दिया गया। ओके, तो जितना भी डेटा सेव होता है वो किसके फॉर्म में होता है, मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स का एग्जाम कम यूज़ है कि ज़्यादा है, हाँ, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए हमें इधर भी बढ़ना है और इधर भी बढ़ना है, ठीक है। तो दोनों तरफ बढ़ने के लिए हमने एक बॉक्स लिया, क्या लिया, एक बॉक्स लिया, ठीक है। इधर बढ़ने के लिए ऐसे हमने इनको रो बोल दिया, क्या बोल दिया, और गहराई में नीचे जाने के लिए हम क्या बोलें, कॉलम। ऐसे जाएंगे तो जो जाएंगे वो कॉलम हो जाएंगे, क्या जाएंगे, कॉलम, ठीक। तो ये सारी रो चल रही हैं और ये सारे क्या हैं, कॉलम्स हैं, ठीक है। तो काउंटिंग कर लेंगे रोज़ की, अगर वो M हुई तो ये रोज़ हैं और क्रॉस N, ये कॉलम क्या है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। हमारे पास 24 एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स हैं, 24 स्टूडेंट्स हैं, 24 नंबर हैं, ठीक है, 24 किताबें हैं, कुछ भी है। आपने 8x3 किया, क्या किया, 8x3, इसका आप मतलब समझ गए कि उस जगह पर रो कितनी है, 8 है और हर रो में 3 हो गया कि नहीं। आप इसको 3x8 में रख दिया गया तो इसमें से फ़र्क है कि नहीं, बोलो। अब यहाँ रो कितनी हुई और हर रो में कितने एलिमेंट है कि नहीं, 12x2 कर दिया तो क्या हो गया, कितनी रोज हो गई और हर रो में कितने एलिमेंट हुए, हो गए कि नहीं हो गए। अगर आप 24x1 कर दें तो कितनी रोज की, 24 रोज और कॉलम कितने हुए, 1 हो गए। 1x24 कर सकते हैं, बताइए इसमें कितने एलिमेंट रखे गए, 24, इसमें भी कितने रखे गए, 24, इसमें भी कितने रखे गए, 24, तो सभी में 24 रखे गए, मगर रखने का तरीका सेम है, चेंज हुआ, दैट्स किसकी वजह से हो पाया पॉसिबल, मैट्रिक्स, किसकी वजह से, मैट्रिक्स की वजह से। आज हम कहीं जा पाते हैं तो गाड़ियों कार की वजह से जा पाते हैं ना, तो मैट्रिक्स का एलिमेंट्स को रखना और कैसे रखना वो कौन तय करेगा, उसकी डायमेंशन। तो ये M और N आप देखते बता देंगे कैसे रखा गया है, ठीक है। तो आप समझ रहे मैट्रिक्स क्या है, आप जानते थे मगर ये बात अभी आपने जानी कि नहीं जानी, दिमाग में आएगी नहीं, हाँ, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है इसका, ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। बाकी आप जो भी बात बताने वाले हैं वो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा बस ब्रीफ डिस्कशन देंगे, ठीक, इम्पॉर्टेंट ये था, ठीक।
तो मैट्रिक्स का जो बेसिक है वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। हम बस टाइप ऑफ मैट्रिक्स के नाम लिख देंगे, ठीक है, आप उनकी डेफिनेशंस देख लीजिए। ठीक, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ठीक, इनके हम नाम लिख दे रहे हैं, आप उनके नाम नोट कर लीजिए और आप इनकी डेफिनेशन, जिनकी डेफिनेशन में आप कंफर्टेबल ना हो आप उनको देख लेंगे, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट को आइडेंटिटी भी बोलते हैं, ठीक। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, अभी हम लोग लिख रहे हैं, अब एक ऑर्डर वे में लिख लेंगे। कहने का मतलब आपके सामने जो रखे गए जिससे आप टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में समझ पाएँ, ठीक, इतने नाम, किस तरीके से उनका अरेंजमेंट होता है, उनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उनका नाम दे दिया गया, ठीक है, उनके डेफिनेशंस आप देख लेंगे, ठीक, ओके। अब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन और एक तरीके से करते हैं, ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, इसका मतलब स्क्वायर होगी तो तभी स्केलर बन पाएगी, स्केलर होगी तो आइडेंटिटी बन पाएगी, ये सारी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के ही दो एग्जांपल हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसिमेट्रिक ठीक, अच्छा ये स्क्वायर होनी चाहिए, नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, ठीक। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर होनी चाहिए, अब इसके दो पार्ट हो गए, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, तो अब इन क्लासिफिकेशंस को आप नोट कर लेंगे, ठीक, ये सब स्क्वायर के हैं, ठीक। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स ली गई, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो देखना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स को, कोई मैट्रिक्स हो उसका हम एक नाम रखते हैं, क्या रखते हैं, और नाम स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर में, नाम का पहला अल्फाबेट कैपिटल, ठीक है, नाउन है, ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग मैट्रिक्स का भी नाम देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए दिया गया, क्या दिया गया, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, उस मैट्रिक्स को हम उस नाम से पुकार रहे हैं, उसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में ए आई जे एन क्रॉस एन। अब देखिए यहाँ पर बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यानी कि जब भी डायगोनल मैट्रिक्स की बात आएगी बात कर पाएंगे जब वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक। अब इसको अगर जैसे कि मैं छाता है, जब उसको हम फोल्ड कर देते हैं तो छोटा हो जाता है, और जैसे उसको खोल देते हैं तो इसी को हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट पड़े हैं वो ए आई जे टाइप के हैं, तो जब हम यहाँ पे रखेंगे ए वन वन, आगे बढ़ेंगे
हाँ तो ये रो कांस्टेंट है, तो रो कांस्टेंट है कि वन फिर टू, ऐसे जाके ए वन एन, यहाँ पे टू से शुरू हो जाएगा और यहाँ पर ए एन वन और लास्ट में एन एन, तो ये यही है, तो इसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो जब भी हम ऐसा सपोजिशन करेंगे तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स सपोज की गई। ठीक, इतनी बात समझ आए? ओके ओके, तो इतना बड़ा ना लिख के हम लोग उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि आई और जे की वैल्यू अब यहाँ से बढ़ाते रहेंगे तो ये चल जाए। ठीक, तो हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स एन ऑर्डर की ले ली, अब वो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी ये हम देखने वाले। डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगी जब उसने बोला इफ इफ ए आई जे बराबर जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे, आई नॉट इक्वल्स टू जे। ठीक है, वो मैट्रिक्स क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? तो देखते हैं पहले, जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स ली ए आई जे थ्री क्रॉस थ्री, ए आई जे थ्री क्रॉस थ्री, रो कितनी है? थ्री, कॉलम कितने हैं? तो अगर हम यहाँ देखें ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू ए थ्री हाँ, तो मतलब ये गलत हो गया क्योंकि हम दूसरी रो में हैं, तो यहाँ पे टू से शुरुआत होगी, कॉलम बढ़ेंगे ए थ्री वन ए थ्री टू और ए थ्री थ्री, तो ये आई और जे हैं, ये आई और जे हैं, ये आई और जे हैं। ठीक ओके, तो ये देखिए आई और जे बराबर कहाँ पे हैं, इसका आई जे बराबर है, इसका आई जे, इसका इसका, तो अगर ऑब्जर्व करें तो ऐसे ही एलिमेंट हैं जिनका आई जे से, ये ए आई जे वो वाले ए आई जे हैं जहाँ पे आई बराबर क्या है? जे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इसको लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, तीन नाम से हम पुकार सकते हैं, इस नाम से, इस नाम से, इस किसी नाम से हम इसको पुकार सकते हैं। ठीक है, वैसे हमारे स्क्वायर में एक डायगोनल ये होता है, एक डायगोनल ये होता है, बट हम इस पे कंसर्न नहीं है, इस वाले पे नहीं है, हम उस डायगोनल पे, अगर इस डायगोनल को देखें तो यहाँ पे आई ओ जे बराबर है, हाँ तो इसलिए ये लिया जाता है कि आई ओ जे बराबर है, स्पेसिफाइड किया गया। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट क्या हैं? डायगोनल एलिमेंट है, क्या है? या सिंपली डायगोनल एलिमेंट बोल सकते हैं। तो उसने डायगोनल एलिमेंट की बात की या ऑफ डायगोनल एलिमेंट की बात की? बोलो बोलो, आई बराबर जे वाले की है कि आई जे बराबर नहीं है? बोलो, आई जे बराबर है या नहीं है वाले? यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर ये है या नहीं है? हाँ, तो कौन सा डायगोनल है? ऑफ डायगोनल, ऑफ ओ डबल डायगोनल है, ऑफ डायगोनल, ऑफ डायगोनल एलिमेंट, किसकी बात की? ऑफ डायगोनल एलिमेंट, उसने कहा। तो ये सब जहाँ पर आई जे बराबर नहीं है वो ऑफ डायगोनल एलिमेंट, क्या है? ऑफ, मेरी बात समझ रहे? डबल ओ डबल एफ, ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ठीक, ये डायगोनल एलिमेंट, जहाँ पर भी आई ओ जे बराबर होगा डायगोनल एलिमेंट, तो मतलब ये तीन डायगोनल एलिमेंट है, बाकी सारे छः क्या है? ऑफ डायगोनल। ठीक, तो उसने बोला डायगोनल एलिमेंट या ऑफ डायगोनल, उन सारे एलिमेंट को क्या कर दीजिए? ज़ीरो, क्या कर दीजिए? ज़ीरो कर दीजिए। जैसे आपने क्या किया, ये डायगोनल है या नहीं है, तो इसको छोड़कर ये डायगोनल है या नहीं, तो इसको क्या करना है? इसको क्या करना है? इसको क्या करना है? इसको फाइव कर दिया, इसको 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 मारो सेवन कर दिया, तो ये हो गई डायगोनल मैट्रिक्स। क्या हो गई?
डायगोनल मैट्रिक्स। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में जैसे ए बोल दिया कोई बात नहीं, ऐसे बोल ए बराबर डायगोनल डी ए आई जी 157, डायगोनल 157। जैसे आपने ऐसे लिख दिया डायगोनल 137, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, डायगोनल पे क्या है 137, और बाकी जगह क्या है? बाकी जगह क्या है? जीरो। समझ रहे कि नहीं? अगर लिख दिया डायगोनल 12, तो कितने एलिमेंट, कितने ऑर्डर की है? 2×2। तीन एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट है, एन एलिमेंट है तो 1002। समझ आई बात कि नहीं? इतनी बातें आप नोट कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, तो एक बात को हम थोड़ा सा फिर से रिपीट करेंगे, ठीक। अब वो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में ही है, और बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है, बट बहुत से लोग जान ही नहीं पाते कि कन्फ्यूज़न है क्या नहीं है, ठीक है? और बहुत ही कम जगह पर मिलेगा ये, जब बहुत आप सर्च करेंगे। हमने ये बोला कि ए बराबर ए आई जे, बात को ध्यान देंगे, एन क्रॉस एन है, तो हमने बोला कि ए आई जे, वो सारे ए आई जे, फॉर ऑल ए आई जे ज़ीरो हो जाएंगे जहाँ पर आई और जे बराबर ना हो, ठीक है? जे बराबर ना हो, ठीक। तो देखिए, एक डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स, फिर यहाँ कॉमा लगा हुआ दिख रहा है? हाँ, आप लोग देखते हैं कॉमा को ऐसे ही? नहीं देखते, ठीक है? एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल, फिर कॉमा आर ज़ीरो, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, जो हम कहना चाह रहे हैं कि आपने जैसे डेफिनेशन, इसको उन्होंने कहा कि इस डेफिनेशन से लिख दी, तो आपने कहा कि भाई ऐसा होगा 100050 और 00 मान लेते हैं 9, आपने कहा डायगोनल मैट्रिक्स, क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक, ओके। अगर हमने ऐसा कर दिया 100050 और 000 कर दें, तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि देखिए, आपके दिमाग में ये बना कि जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो हो जाए, तो आप डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए? ज़ीरो। हम पूछ रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है कि डायगोनल के एलिमेंट्स में भी ज़ीरो हो जाए और बाकी सब ज़ीरो? बोलिए, नहीं होगा या हो सकता है? बोलिए। अच्छा, बात ध्यान दें, उसने बोला डायगोनल एलिमेंट्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द कॉमा लगाया, तो मतलब ये कॉमा लगाने का मतलब ब्रेक हो गया। कॉमा तब लगता है जब सेंटेंस क्या होता है? ब्रेक, मतलब ये सेंटेंस यहाँ से जोड़ा गया। कहने का मतलब अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो, ठीक, ऑल द एलिमेंट्स आर ज़ीरो, बट इसके अंदर क्या लिखा? एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब क्या होंगे? लीडिंग एलिमेंट ज़ीरो नहीं होंगे या हो भी सकते हैं? हाँ, एक्सेप्ट लिखा है तो इनको छोड़कर, हाँ, ये ज़ीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है? उसने बोला ये बात किस पे, सब पे अप्लाई हो रही है, ज़ीरो होंगे सब, बट किस पे अप्लाई नहीं हो रही? डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है? तो जो मैं बोल रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में ये बनता है, क्या बनता है? कि ये नॉन ज़ीरो हो और ये सब क्या हो? ज़ीरो, ठीक है? जबकि ऐसा भी सही, मतलब यहाँ पे सबके सामने बोल रहे हैं, हम नेट पे भी बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। इसके लिए आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप गूगल कर लें, क्या कर लें, ठीक है? और एक अच्छे स्टैंडर्ड डेफिनेशन को आप देखें गूगल पे, तो सब कुछ पढ़ा, आर डी शर्मा भी जी हैं वहाँ पे, आर एस अग्रवाल भी हैं, ठीक है? तो आप देखेंगे तो एक्सेप्ट दो जिंदा लीडिंग डायगोनल, मतलब वो छोड़कर, अब वो छोड़कर तो वो कोई भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकते हैं और नॉन ज़ीरो भी हो सकते हैं, बाकी सब क्या होंगे? ज़ीरो, ठीक। तो ये भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है, ओके।
समझ आई बात कि नहीं? इसका ये मतलब नहीं कि ये जो है नॉन जीरो ही होंगे, इनको किनके बजाय बाकी सब क्या होने चाहिए? जीरो। हाँ, जैसे ऐसे कर दिया आगे 1 0 0 0 2 0 0 5 2, तो अब ये नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि डायगनल के अलावा आपने क्या कर दिया नॉन जीरो, तो ये हमारी डायगनल मैट्रिक्स नहीं है, ये है और ये भी, ठीक है। उसने यहाँ सीधे देखो बोला है कि ए आई और आई जे के बराबर ना हो, वो जीरो रखिए। कहीं इसके बारे में एक्सप्लेन किया कि वो सारे ए आई जे जहाँ पे आई और जे बराबर हो उसका क्या हो? कुछ यहाँ पर कुछ भी बोला है इसके बारे में कहीं? इसको ये भी तो बोलना चाहिए था कि नॉन जीरो हो ये। उसने बोला इनको क्या रख दीजिए जीरो, सारा बाकी ये आपके ऊपर हैं, ये वाले क्या हैं आपके ऊपर हैं, इनको कुछ भी आप एंट्रीज लीजिए, ये हमारे क्या होने चाहिए। कंडीशन किस पे लगी है, ऑफ डायगनल पे कि डायगनल पे? कि ऑफ डायगनल स्ट्रिक्टली मस्ट बी जीरो, वो क्या होने चाहिए, वो आपको जीरो लेने हैं। डायगनल एलिमेंट के बारे में आप तय करेंगे, ठीक है, मगर आप कैसे तय कर लेते हो? नॉन जीरो, ठीक है। तो वो जनरली बुक्स में आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, बट आप उसके बारे में जब दिमाग में कन्फ्यूजन है तो ये है, ठीक। नल में, नल मैट्रिक्स की बात कर देते हैं, इन्होंने बोला नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं, 2, 3, 3, 1 और 3, 3। पहली बात तो ये है कि वो स्क्वायर भी हो सकती है और स्क्वायर नहीं भी होगी। सबसे पहली बात, फर्स्ट थिंग नल मैट्रिक्स की, बस नल मैट्रिक्स बोलती कि वो मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज क्या हों, जीरो हों, ठीक है। तो जैसे ये हो गई, तो ये इसमें रो कितनी है, रो 2 है और कॉलम 3 है, तो मतलब एक कॉलम में एक दो, ये ऐसा है ना? नहीं, कैसा है? हाँ, ऐसा है ना, बोलो, ठीक है। तो ये तो हमारी क्या है, स्क्वायर ही नहीं हुई, स्क्वायर नहीं, हाँ ये नल बन गई तो ठीक है, तो ये हो जाएगी। नल को नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि नल क्या है, स्क्वायर ही नहीं, मे और मे नॉट भी कन्फर्म ही नहीं, ठीक। सबसे पहली बात ये ध्यान रखें कि लोगों को क्या लगता है कि नल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नल वो मैट्रिक्स होती है जिसके सारे एंट्रीज क्या हों, जीरो, अब वो स्क्वायर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सबसे पहली बात मैंने बोला ये कन्फ्यूजन है। आई नॉट इक्वल्स टू जे, तो इन पे टारगेट नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो उसने बोला कि इनको छोड़कर हम ऐसे एलिमेंट को के क्या असाइन कर देंगे, कोई कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर 2 किया तो यहाँ पर 2, अब यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, बोलो ऐसा करेंगे या? हाँ देख रहे हैं, ऐसे ए आई जे एन क्रॉस एन, अब अपने फॉर ऑल आई कामा जे आई नॉट इक्वल्स टू जे, इन सबको जीरो ले लिया, तो इन बॉक्स की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बोलो इन बॉक्स के एलिमेंट की बात कर रहे हैं या इनके छोड़कर? तो अब क्या करना है, हाँ इन बॉक्स वाले एलिमेंट को या उसके उसको छोड़कर? तो बॉक्स वाले एलिमेंट तो आई इक्वल टू जे वाले हैं, इनको छोड़कर सबको क्या ले लिया, इनको नहीं छूना अभी, ठीक है, वो सब भर गए। और अगर ऐसा होता, यह डेफिनेशन इतनी डेफिनेशन डायगनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करती है, बोलिए। डायगनल मैट्रिक्स ने तो यही तो बोला कि केवल बात क्या है कि इन बॉक्स को छोड़ दीजिए और बाकी सब क्या कर लीजिए, जीरो कर लीजिए, ठीक है। अब इसके साथ प्लस कर दें, क्या कर दें, प्लस कर दें, ए आई जे बराबर के कर दें और आई इक्वल्स टू जे, ए आई जे बराबर के कर दें और आई इक्वल्स टू क्या कर दें, तो अब यहाँ बॉक्स में, अब आई इक्वल्स टू जे मतलब क्या है, बॉक्स वाले नहीं में, यहाँ क्या कर दें के, क्या कर दें यहाँ क्या कर दें, तो ऐसा तो नहीं करना है जो ऐसा कराया गया, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है ना। तो जब ये चीज़ हो गई तो ये क्या हो गई,
स्केलर हो गई, ठीक है, कि उसमें फर्दर और क्या जुड़ जाएगा कि बॉक्स के बारे में भी उसने स्ट्रिक्टली क्या कर दिया, बोल दिया कि आपको यहाँ पर अब 1, 2, 3 नहीं लेना है, क्या लेना है, एक ही नंबर लेना है। तो जैसे एग्जांपल में क्या है, 2000002002, ठीक है, ओके 3003, ये सब कैसी हैं इसके एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे एंट्रीज क्या है समान है, ओके तो K00K ये सब स्केलर है, ठीक, तो वो डायगनल है, कैसी है, बट डायगनल में भी एक स्पेशल रूप है, डायगनल में भी डायगनल एलिमेंट्स को भी स्ट्रिक्टली बोल दिया गया कि अब इनको बराबर लेना है, क्या लेना है बराबर, ठीक। तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, स्क्वायर कैसे ले लेते हैं, ए बराबर ए आई जे, एन क्रॉस एन, अब स्क्वायर में डायगनल, स्क्वायर में डायगनल, तो यहाँ पर फॉर ऑल आई जे, जहाँ पे आई जे बराबर ना हो उसको क्या ले लें, सी, ठीक है, मतलब इतना और बढ़ा दें आप, डायगन स्क्वायर बन गए क्या, डायगनल, फिर स्केलर क्या, स्केलर में क्या और आप बढ़ा दीजिए कि ए आई जे, जहाँ पर आई और जे क्या है बराबर है, उन आई जे को क्या कर दें, के ले लें, ठीक, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, ओके। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं आइडेंटिटी, किस पे, आइडेंटिटी यानी यूनिट, यूनिट मतलब कैपिटल आई, कैपिटल आई, तो अब कैपिटल आई इससे आगे बढ़ जाएगी, मतलब वो स्केलर है, आइडेंटिटी क्या है स्केलर, स्केलर क्या है डायगनल, डायगनल क्या है स्क्वायर, तो आइडेंटिटी भी क्या है स्क्वायर, आइडेंटिटी भी क्या है डायगनल, आइडेंटिटी क्या है स्केलर, ठीक है, तो आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी में भी क्या, वेयर के बराबर वन, यहाँ के बराबर रियल नंबर था, क्या था, तो रियल नंबर्स ना करके क्या ले लें, वन ले लें, तो मतलब अब डायगनल पे क्या रखना है आपको, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको आई 3 बोल देंगे, क्या बोल देंगे, अगर आई 2 बोलते तो 1 0 0, आई एन बोलते तो एन क्रॉस ए आई जे, जहाँ पे आई और जीरो बराबर नहीं है तो इसको क्या करेंगे, 0 कर देंगे और ए आई आई क्या हो जाएंगे, सब 1 हो जाएंगे, ठीक है, तो आई 2 आई 3 आई 4 आई आर ये सब आइडेंटिटी हैं, ये आइडेंटिटी स्केलर भी हैं, डायगनल भी हैं और स्क्वायर भी, तो ये सारी एक एक जगह पे आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत, ये समझ में आ रहा है ना, कि मतलब स्क्वायर के लिए केवल हमें इतनी ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है, डायगनल के लिए ये प्लस ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है, स्केलर के लिए ये और ये रिक्वायरमेंट तीनों, आइडेंटिटी के लिए ये आइडेंटिटी तब बनेगी जब वो स्क्वायर हो, फिर क्या हो डायगनल भी हो, उसके बाद स्केलर हो, देन आफ्टर क्या आइडेंटिटी बन पाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत, तो ऐसे बताया ना बताएं, बोलिए, हाँ ठीक, क्लियर हुआ, तो आप समझ में आ गया, आइडेंटिटी क्या स्क्वायर होती है, आइडेंटिटी क्या डायगनल होती है, स्केलर डायगनल होती है, ठीक, ये सब एक दूसरे के से ही बने, ठीक, एक्सटेंशन है, कहते हैं वर्जन अपग्रेड हो गया, ठीक है, तो अपग्रेडेशन तक वहाँ कहाँ पहुँचे हम लोग, आइडेंटिटी तक, ट्राइंगुलर अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर, तो अपर और लोअर क्यों बोला गया ये देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो एंट्रीज हैं उनके आई जे में बहुत खासियत होती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, ठीक,
अगर हम इन पे फोकस करें, ठीक, तो एन एलिमेंट्स पे फोकस करें, तो ए आई जे के मैट्रिक्स के वो ए आई जे हैं जहाँ पे आई और जे क्या हैं बराबर, ठीक है, ओके। अब हम इस पार्ट पे फोकस करें, इन वाले पार्ट, तो वो सारे ए आई जे हैं, हैं, हाँ वो सारे ए आई जे हैं। देखिए तो क्या दिख रहा है आपको, आई बड़ा है कि जे, इसमें कौन बड़ा है, आई बड़ा है कि जे, सभी में जे बड़ा है आई, ठीक है, वो है जहाँ पर आई क्या है छोटा है जे से, ना। और इन वाले पे फोकस करें तो वो ए आई जे है जहाँ पे आई क्या हो गया बड़ा हो जाए, ठीक ठीक। तो बस यहीं से अपर और लोअर ट्राइंगुलर शुरू हो जाएगा। अपर का मतलब है ट्राइंगल ऊपर बने कि नीचे, अपर का मतलब ट्राइंगल ऊपर बन जाए, तो ऑफ कौन से कर दिए जाए, लाइट लगी हो सब हर जगह, तो ट्राइंगल बनता हुआ अगर दिखाई पड़ेगा तो बल्ब ऊपर वाले जले कि नीचे वाले, बोलो ऊपर वाले बल्ब जला दिए जाए, तो ऑफ कौन से कर दिए जाए, नीचे वाले, तो नीचे वाले ऑफ करने के लिए यहाँ पर ऑफ कैसा होता है, कंप्यूटर में कैसे ऑफ होता है, जीरो क्या होता है, हाँ वेरी गुड, ए आई जे सारे जीरो कर दें, कौन से, आई ग्रेटर देन जे वाले, ठीक है, तो आई ग्रेटर देन जे वाले देखिए ये सारे हुए कि नहीं, तो ये जीरो कर दिया, ये जीरो कर दिया और ये जीरो कर दिया, बाकी अपनी मर्जी से ले लीजिए, आपको जो भी इच्छा हो, 1 2 3 2 4 5, तो देखिए ये ट्राइंगल बना कि नहीं अपर, तो इसलिए हो गई ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ट्राइंगल कहाँ बने, ऊपर, ऊपर बनेगा तो नीचे वाले जीरो, लोअर ट्राइंगुलर, हाँ तो कौन वाले ऑफ कर दिए जाए, अब कर लेंगे ना, ये अपने आप कर लेंगे लोअर अपर, हाँ ठीक, इतना हटा दें, ये बात मेन थी बता दी, ठीक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक तो समझते हैं ना, हैं, ओके। अगर हम अपने आप को ही लें या अपने आप को लीजिए, अब यहाँ से इतने पार्ट को अलग कर दीजिए, तो आपके आईज सारे क्या हैं, ये 10 फीट का हाथ होता, इतना ही होता, अच्छा लगता, ये छोटा होता, ये बड़ा होता, तो ये ताजमहल, तो ताजमहल में भी हाफ से क्या सिमेट्री है, आधा इधर, तो सिमेट्री पार्ट है कि नहीं, ओके। तो ऐसे ही यहाँ पर भी मैट्रिक्स में भी क्या सिमेट्री है, तो उसको जज करने के लिए कैसे जज करेंगे, पहले ये देखते हैं, ठीक। तो एक मैट्रिक्स ली गई A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हम इस मैट्रिक्स से ऐसे करते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो अब दोनों मैट्रिक्स को ध्यान दीजिए, तो अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर तो है नहीं, ये क्या इसके बराबर है, बराबर ही नहीं, देखो इस रो में क्या एलिमेंट है, 1 1 2 1 और 3 1 है, और यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 है, तो है कि नहीं। तो अगर इस मैट्रिक्स को ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन बोलते हैं, तो ये जो वाली मैट्रिक्स है इसको आप मान लो एडेस बोलें, ठीक है, तो इसके ऑर्डर तो एन ही क्रॉस एन है ना एलिमेंट्स, मगर देखो जो यहाँ पर ये रो वाइज रखे गए तो वे यही रो क्या हो गई कॉलम बन गई, ये रो क्या हो गई मतलब 2 1 1 2 की जगह चला गया, कहाँ चला गया मतलब ये यहाँ चला गया और ये यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, तभी तो ये आया, इसका मतलब हमने क्या किया ए जे आई कर दिया, क्या कर दिया, आई को जे में और जे को आई में,
तो इसको बोलना है ए की पावर टी, मतलब इस ऑपरेशन को बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? अगर ये ए है तो ये ए ट्रांसपोज है, ठीक है। इन रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज करना, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑपरेशन, ठीक है, इतना ध्यान दें। मगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है, ज़रूरी नहीं कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए, इस चीज़ को अभी क्लेम नहीं कर रहे। अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर अगर हम ये देखें कि इन दोनों को बराबर कर दें, क्या कर दें, क्या हम कर, अभी के बराबर हम मान रहे बराबर नहीं है, बस क्या किया हमने, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कर दिया। अब बराबर कर दें तो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, तो ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, और यहाँ पर ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, दोनों को बराबर करें तो ऐसे ही आएगा। और जब भी कोई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स को इक्वल करते हैं, ये भी यहाँ पे है कॉन्सेप्ट है कि मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। तो दो बातें को हम लोग जज करते हैं, पहले ऑर्डर मस्ट बी सेम, ठीक है, कहने का मतलब एक मैट्रिक्स टू क्रॉस थ्री की है और एक मैट्रिक्स थ्री क्रॉस टू की है, तो ये कभी इक्वल होंगे नहीं, क्योंकि इनका ऑर्डर ही सेम नहीं है, ठीक है, ऑर्डर समान हो चाहिए। दूसरी बात, करस्पॉन्डिंग, बात ध्यान रखना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है कि अगर आपने ए आई जे एन क्रॉस एन लिया, बी आई जे एन क्रॉस एन लिया, तो ऑर्डर तो समान हो गया। अब ए आई जे और बी आई जे फॉर ऑल आई कॉमा जे बराबर होना चाहिए, मतलब ए वन वन बी वन वन के बराबर, ए टू वन, ए टू वन किसके बराबर, ए टू वन बी टू वन के बराबर, वन टू बराबर नहीं, करस्पॉन्डिंग मतलब दूसरी रो का पहला एलिमेंट दूसरी रो के पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ इक्वल तभी लिख पाया, थ्री क्रॉस थ्री का है, ये भी थ्री क्रॉस थ्री का है, अब देखो करस्पॉन्डिंग ये इसके बराबर तो है ही, ये इसके बराबर होना पड़ेगा। अब ए वन टू को किसके बराबर होना पड़ेगा, ए टू वन के, ए वन थ्री को किसके बराबर होना पड़ेगा, ए थ्री वन के, ए आई जे को किसके बराबर होना पड़ेगा, ए जे आई फॉर ऑल, और जहाँ पर भी ऐसा होगा वहाँ पर ए बराबर क्या होगा और वो मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, समझ बात की नहीं, तो क्यों ए इक्वल टू ए आई जे होता है समझ में आ गया आज है, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोज ऑपरेशन करेंगे तो ट्रांसपोज और मैट्रिक्स दोनों बराबर तभी हो पाएंगी कि ए आई जे ए जे आई की जगह पहुँच गया है और ए जे आई ए आई जगह पहुँच गया, बराबर होने के लिए दोनों को आपस में बराबर, तो जहाँ पर भी ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है या ए आई जे ए वन टू टू वन के बराबर, ए वन थ्री थ्री वन के बराबर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। कैसी होती है, ठीक, ये तो आता होगा तुम्हें, पढ़े थे तो बेकार ही हुए पढ़ाना, अरे वाह ज्ञान दे दिया आपने, वैसे अच्छी बात है, वेरी कॉन्फिडेंट है तुम, इतनी दूर से तुम्हें अच्छा लगता है यहाँ पे खाना, यहाँ का खाना चावल कम मिलता ना, वहाँ चावल ज़्यादा खाते ना लोग,
भात बोलते हैं इसको। लैंग्वेज वही है, सेम है, चेंज यहाँ और वहाँ भागलपुर में एक जैसी है। वहाँ वैल्यू बोलते हैं, यहाँ वैल्यू बोलते हैं ना, वी को भाव बोलते हैं ना वो। देखिए तो कोई एग्जांपल जैसे लेते हैं हम लोग, तो कभी भी कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक लेनी होगी तो आप डायगोनल, डायगोनल के एलिमेंट कुछ भी ले लीजिए, ए बी सी, जैसे कि आपको लेना है डायगोनल के एलिमेंट आपने 2, 5, 7 कुछ ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपने 3 लिया तो आपको यहाँ पर भी क्या लेना पड़ेगा, 3। अगर आपने 5 लिया क्या लेना पड़ेगा, 5। -7 लिया तो -7, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर ए बी सी लिया तो कोई टेंशन नहीं, अगर एच लिया तो यहाँ पे, यहाँ जी लिया तो यहाँ पर, यहाँ एफ लिया तो यहाँ पर, ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी इस। अब ये मैट्रिक्स कोऑर्डिनेट में, ठीक है, ये बताती है, इसी हम याद करेंगे डेल्टा से, ठीक है, इससे फिर आइडेंटिफाई करेंगे पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ओके। बताइए इसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट अगर लेंगे हम लोग, ए एच डी, एच बी एफ, जी एफ सी, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मतलब एक्सप्लेन करके के बाद, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर और माइनस सी एच स्क्वायर आ जाएगा। अब यही फिर इसको डेल्टा बोल देते, क्या बोलते हैं, फिर यही डेल्टा चेक करते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला, कोऑर्डिनेट के कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ठीक। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग याद कर लेंगे, उसके बाद करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन याद कर लेंगे, ठीक। आगे बढ़े हम लोग, एस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। अभी हमने क्या किया था, रो और कॉलम को इंटरचेंज किया था, और देखा कि रो और कॉलम इंटरचेंज करने के बावजूद भी मैट्रिक्स में के अरेंजमेंट कोई चेंज नहीं, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या बोली जाएगी, सिमेट्रिक। क्या बोली जाएगी, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब सैंडविच है, इसको उधर बढ़ा दें तो सेम रहेगा, ठीक। पर हम लोग आप क्या करते हैं कि इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एस्क्यू सिमेट्रिक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एस्क्यू कर देते हैं, ठीक। मतलब रो में कॉलम में चेंज करें और वैल्यू निगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, अपोजिट कर दें साइन को, तो ये यहाँ जाएगा, ये जाएगा, तो इसको अगर इसको 2 रखें तो इसको क्या कर दें, ठीक। तो 2 का अपोजिट क्या है, यहाँ रखा जा सकता है, ठीक, जैसे कि यहाँ पर अगर यहाँ 3 रखा तो यहाँ -3, ठीक, या -5 रखा 5, यहाँ 7 रखा, ऐसा हो गया, ठीक है। 5, 5 तो सिमेट्रिक थे, जब 5, 5 थे तो क्या थे, सिमेट्रिक थे कि नहीं, और ये 3, 3 होते सिमेट्रिक हो जाते हैं, तो हमने इनको सिमेट्रिक की जगह असिमेट्रिक कर दिया, मतलब माइनस ले लिया। तो 5 का नेगेटिव क्या होता है, 2 का नेगेटिव, ठीक है, ऐसे हो गया। मगर ये जब आप रो को कॉलम में चेंज करो तो ये तो हिलने वाले नहीं है, ऐसा कौन सा नंबर रखें जिसका नेगेटिव उसी नंबर के बराबर हो, मेरी बात सुनना, कोई ऐसा नंबर है आपके पास जिसका नेगेटिव, जैसे 1 का नेगेटिव क्या है, -1, बराबर हुए 1 और -1 बराबर है, 2 का नेगेटिव -2 बराबर है, ऐसा कोई नंबर आपके पास है कि उसी का नेगेटिव उसी 0, वेरी गुड, क्या है, तो उसी का नेगेटिव तभी बराबर होगा, तो इसलिए इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब तक आप यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे, वो कह रहा कि एक नंबर है ए का नेगेटिव बराबर है, तो 2a बराबर 0, a बराबर क्या 0, तो ये एस्क्यू सिमेट्रिक हो गई, क्या हो गई, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो,
मस्ट बी जीरो, क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो। तो डेफिनेशन पे आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, जीरो जीरो। तो ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन, तो वो सारे ए आई जे जो ऑफ डायगनल एलिमेंट है, ठीक है, वो ए आई जे किसके बराबर हूँ, माइनस टाइम्स ए जे आई के बराबर हूँ, आई नॉट इक्वल्स टू जे। अब वो सारे ए आई जे जो आई ओ जे बराबर हैं वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो, ठीक है। तो इसके नेस हो गया, ठीक, इसके समेट, ओके, समझ आए। तो ये एक पहचान है, आइडेंटिटी है, ये डायगनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, मस्ट बी जीरो, ठीक। अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो जब भी हम ए आई जे को माइनस टाइम्स ए जे आई ले जाएंगे, आई नॉट इक्वल्स टू जे, तो अगर मैट्रिक्स ए है, ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज है ए जे आई एन क्रॉस एन, तो कहने का मतलब ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज बोल रहे हैं, कहने का मतलब कि ए प्लस ए ट्रांसपोज करें एक नल मैट्रिक्स बन जाए, जीरो नहीं, नल, ठीक है। यानी मैट्रिक्स ए को उसके ट्रांसपोज से जोड़ें तो क्या मिल जाए, नल मिल जाए, ठीक, यही तो कहना चाहते हैं। ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए, अब ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए। अच्छा, तो अभी क्या किया तुमने, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, जोड़ेंगे, तो देखो यहाँ पे इसको इससे जोड़ोगे ना तो ये क्या आएगा, टू ए वन वन, और जब इसको जोड़ेंगे तो आप तो ए वन टू प्लस ए टू वन आएगा कि नहीं, तो अब इसको नल के बराबर करोगे तो ज़ीरो 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 ऐसे करोगे, तो इसको जब इसके नल के बराबर करोगे तो टू ए वन वन बराबर क्या है, ज़ीरो, तो ए वन वन बराबर, और इसको जीरो करोगे ए वन टू प्लस ए टू वन बराबर ज़ीरो, तो ए वन टू बराबर माइनस, तो ये बोला जाता है कि दोनों को अपोजिट रखिए, क्या रखिए, दो प्लस दो क्या है, चार है, मैथ्स में हर चीज़ का रीज़न रट क्यों रहा है भाई,